Hello Infinity students, in today's video we will covering the second part of the chapter heredity and evolution. आज हम evolution वाले topic को detail में start करेंगे. ठीक है, evolution क्या होता है? सबसे पहले हम इस term की definition समझने की कोशिश करेंगे, meaning समझने की कोशिश करेंगे, what is evolution और evolution किस तरीके से होता है, कौन कौन से processes involved होते हैं, speciation क्या होता है, स्पीशिएशन किन किन रीजंस की वजह से अकर होता है नेचर में, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशिएशन, है ना, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. तो बिगिन करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन वाले पार्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले इवोल्यूशन वाला पार्ट बिगिन करने के पहले थोड़ा सा हमें क्या समझना है, व्हाट इज़ वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, फिर मैं इवोल्यूशन पे आऊँगा उसके बाद. ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन सिंपली मीन्स, अगर मैं ईजी लैंग्वेज में कहूँ, वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस. अब किस तरीके की डिफरेंसेस के बात कर रहा हूँ मैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंस किस चीज़ के रेफरेंस में मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, डिफरेंसेस क्या है या इसमें, सपोज़ करो हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट. तो यहाँ डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड होता है. ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से जो ऑफस्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनीज पैदा होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, वो लगभग लगभग अपने पेरेंट की तरह ही हूबहू दिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको डिफरेंसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए की कॉपिंग होती है, एरर्स ऑकर होते हैं, तो इसमें हमको ऐसे ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं जो जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वो अपने फादर या फिर पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंसेस. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सपोज़ करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये सिंगल पेरेंट है. ठीक है, इस सिंगल पेरेंट से हमको क्या मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं या फिर प्रोजेनी मिलते हैं. सिंगल पेरेंट से हमको मिलते हैं ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी मिलते हैं. ठीक है, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी मिलते हैं. ठीक है, तो ये जो सिंगल पेरेंट है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की कॉपी बनती है, तभी तो ये डीएनए कॉपी के थ्रू, जीन्स के थ्रू सारे कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में सेंड करता है. ये हमने हेरिडिटी वाले पार्ट में अच्छे से समझ लिया है. लेकिन जब ये डीएनए कॉपिंग करने की जब प्रोसेस होती है तो इसके साथ साथ कुछ एरर्स भी ऑकर होते हैं. There are certain errors that occur during the process of DNA copying. अब ये errors occur होंगे, इसके वजह से कुछ extra characters जो हैं इस offsprings में हमको देखने को मिलेंगे जो parent के पास नहीं है. ठीक है, और यही extra character क्या करेंगे, differences create करेंगे. डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, कौन से डिफरेंसेस? ऐसे कैरेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग में ऐड कर देंगे जो कैरेक्टर्स इसके पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं है. तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, यही वेरिएशन होता है. ठीक है, द वेराइटी मतलब पेरेंट्स से और वेरिएशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं न्यू जनरेशन में, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं. ठीक है, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई. अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. सपोज़ करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट, देर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब 50% जो गैमेट्स होते हैं वो एक पेरेंट से आता है फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड 50% फ्रॉम मैटर्नल साइड, और उसके बाद हमको एक मिलता है ऑफस्प्रिंग, एक हमको यहाँ मिला ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, राइट. तो ये 50 पेरेंट यहाँ से आएगा, 50% दोनों के अंदर डीएनए की कॉपिंग होगी और एरर्स दोनों तरफ से ऑकर होंगे, मैटर्नल साइड से भी एरर्स ऑकर होंगे और पैटर्नल साइड से भी एरर्स ऑकर होंगे. यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट्स था तो एरर्स भी कम थे, यहाँ पे पेरेंट्स डबल हैं, दो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे एरर्स भी ज़्यादा ऑकर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नए कैरेक्टर्स इस नए ऑफस्प्रिंग में एड ऑन होंगे. ठीक है, तो ये अपने पेरेंट्स से देखने में बहुत ही अलग होगा. क्यों? कैरेक्टर्स इनहेरिट तो करेगा लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ज़्यादा ऐड होंगे क्योंकि एरर ज़्यादा होकर हुआ है. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व तो ज़्यादा एरर, इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, राइट. तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन. द डिफरेंसेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स ऐड होते हैं इन्हीं को हम वेरिएशन कहते हैं. ठीक है,
स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन में हम लोगों ने ये समझा कि हर जनरेशन के साथ, हर जनरेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, आगे बढ़ती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, तो थोड़े थोड़े वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं। जो डिफरेंसेस एड ऑन होते हैं हर जनरेशन में, इन डिफरेंसेस के वजह से कुछ नए कैरेक्टर्स एड ऑन होते हैं, और इन्हीं एड ऑन, ये जो डिफरेंसेस हैं या नए कैरेक्टर्स जो ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं हर जनरेशन में, इन्हीं को हम लोगों ने कह दिया वेरिएशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन के बाद हमको अगला टर्म समझना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन, राइट? व्हाट इज इवोल्यूशन, अगर इसका नॉर्मल अगर डेफिनेशन हम देखने जाएं तो इट इज द एक्यूमुलेशन, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये वेरिएशन अगर बहुत लंबे समय तक लगकर कंसेक्यूटिवली कई जनरेशंस तक एक्यूमुलेट होता जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इवोल्यूशन कैसे होता है। सपोज करो ये हमारी पेरेंट जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन ने पहले फर्स्ट जनरेशन बनाई, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड जनरेशन आई, थर्ड के बाद ऐसे हम कंटिन्यू करते करते जनरेशन 500 तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखो पेरेंट जनरेशन थी तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ऐड होगा, सेकेंड से थर्ड में भी थोड़ा वेरिएशन ऐड होगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से 500 जनरेशन्स तक लगातार वेरिएशंस ऐड होते जाएंगे। लगातार वेरिएशन ऐड होने का क्या मतलब हुआ कि लगातार नए कैरेक्टर्स हर जनरेशन में ऐड होते जा रहे हैं। हर जनरेशन में जब कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे, जो पेरेंट्स वाले कैरेक्टर्स तो ऐड हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ वेरिएशन के वजह से कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे। इससे क्या होगा, जब हर जनरेशन में नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे तो ये स्पीसीज़ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स अडॉप्ट करेगा जो इसके पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं है। जब बहुत लंबे कई कंसेक्यूटिव जनरेशंस तक ये नए कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे तो एक टाइम के बाद, एक लंबे गैप के बाद, हमको ये वाला जो 500 जनरेशन वाला जो इंडिविजुअल है, इसको अगर हम पेरेंट जनरेशन के इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे तो ये देखने में बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और पेरेंट जनरेशन से वो स्पीसीज देखने में बिल्कुल अलग है। तो इसी, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। दिस इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग जनरेशन, लॉन्ग नंबर ऑफ जनरेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम ये टर्म समझते हैं स्पीशिएशन क्या है बच्चों। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द टर्म स्पीशिएशन। ठीक है, स्पीशिएशन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है स्पीशिएशन, मतलब अराइज ऑफ न्यू स्पीसीज, अराइज ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। न्यू स्पीसीज कहाँ से निकली, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। पुरानी स्पीसीज से अगर नई स्पीसीज बन रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन के कई सारे रीजंस हैं, जैसे मंकीज़ ने लगातार कई जनरेशंस तक रिप्रोडक्शन किया, उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स आ गए। मतलब क्या, ये जो डिफरेंसेस हर जनरेशंस में एक्यूमुलेट हो रहे थे, जो वेरिएशंस ऐड हो रहे थे, इसके वजह से हम क्या हो गए, टोटली डिफरेंट हो गए, हम नई स्पीसीज बन के उभर के आए। और नई स्पीसीज बनने का क्या क्राइटेरिया है कि ये जो नई स्पीसीज, बहुत सारे जनरेशन के बाद हमको ये जो नई वाली स्पीसीज मिली है, ये अगर पुराने स्पीसीज के साथ मेटिंग करने की कोशिश करें, दे आर नॉट केपेबल टू रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, एक साथ रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं है। जैसे अगर मंकीज की बात करें तो इसके साथ अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमने क्या कह दिया, मंकीज की स्पीसीज दूसरी और ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज दूसरी है। मतलब इतना सारा इवोल्यूशन वेरिएशन जमा हो गया है लगातार इतने जनरेशन के बीच में कि ये दोनों जो स्पीसीज हैं ये बिल्कुल अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, अब हम थोड़े से रीजंस को समझने पे कोशिश करेंगे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड स्पीशिएशन। स्पीशिएशन किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है, स्पीशिएशन का कारण क्या है, राइट? ठीक है, स्पीशिएशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो
मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, दिस इज़ अ ज्योग्राफिकल एरिया। इस ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। ये सपोज़ करो मैंगो ट्री है, ये ग्वावा ट्री है, ये कोकोनट का ट्री है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ग्रासेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें एक स्पेशल टाइप के बीटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हम बीटल्स की बात करेंगे। दीज आर द, जो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है, बीटल्स हैं, ठीक है। दीज आर द बीटल्स, ठीक है। अब कुछ ज्योग्राफिकल रीज़न या नेचुरल रीजंस की वजह से अर्थक्वेक आया हो या फ्लड आया हो बहुत बड़ा, ठीक है, इसके वजह से ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये दो हिस्सों में बट गया या फिर आइसोलेट हो गया। दो हिस्सों में बटने का क्या मतलब है कि इसको एक रिवर ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ज्योग्राफिकल छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज में आइसोलेट कर दिया। अब ये वाली जो रिवर थी वो इतनी वाइड थी, अब देखो हुआ क्या है, इसके बाद यहाँ के जो बीटल्स थे ना वो इधर जा पाए ना इधर के बीटल्स इधर आ पाए, राइट। दे कैनॉट एक्सचेंज, मतलब इनके बीच में मीटिंग नहीं हो पाई। यहाँ वाले जो बीटल्स थे वो इधर जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए और इधर वाले बीटल्स इधर आके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए। ये आपस में ही क्या करते रहे, रिप्रोडक्शन करते रहे करते रहे करते रहे। सपोज करो जनरेशन वन से लेके जनरेशन टू, जनरेशन थ्री, जनरेशन 500 तक ये क्या करते रहे, रिप्रोडक्शन करते रहे, ठीक है। अब इतने ज़्यादा जनरेशन्स थे, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और इधर और इसके बीच में कोई मेटिंग नहीं हुई, ये आपस में ही क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे। तो इसका अपना स्पीसीज़ नया तैयार हो गया और इसका नया अपना नया स्पीसीज़ तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन हुआ मतलब क्या, वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए, ये एक नई स्पीसीज़ बन के तैयार हो गई। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि रिवर ने इस एरिया को डिवाइड कर दिया था। बीटल्स उड़ के इधर नहीं जा सकते थे और इधर वापस नहीं आ सकते थे, इसीलिए इनके अंदर क्या हो गए, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और ये आपस में क्या हो गए, दो नई स्पीसीज़ की तरह निकल के आए, उभर के आए। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब यहाँ की जो ज्योग्राफी थी वही चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि रिवर ने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल सेलेक्शन क्या होता है। नेचर सेलेक्ट करता है, हाउ डज नेचर सेलेक्ट, नेचर सेलेक्ट करता है जो नेचर के हिसाब से फिट रहता है, फाइन रहता है, उसकी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, जो फिट है फाइन नहीं है उसकी स्पीसीज़ को ख़त्म करो, ठीक है, सिंपली यही होता है। सपोज़ करो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में दो टाइप के बीटल्स पाए जाते हैं। दो टाइप के बीटल्स क्या, एक ग्रीन बीटल है, सॉरी ग्रीन नहीं लेते हैं हम, ले लेते हैं ब्लैक बीटल्स। ब्लैक बीटल्स जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और एक या दो ग्रीन बीटल्स भी प्रेजेंट है, राइट। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा, अब जो ब्लैक कलर के बीटल्स हैं और ग्रीन कलर के बीटल्स हैं, ठीक है, बीटल्स नॉर्मली कहाँ रहते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा एक प्लांट है, ये प्लांट की एक लीफ है वो ग्रीन कलर की है, ग्रीन वाले लीफ पे एक ग्रीन बीटल बैठा है और एक ब्लैक वाला बीटल भी बैठा है। तो इस ग्रीन कलर के लीफ में किस बीटल को, किस कलर के बीटल को स्पॉट करना सबसे आसान रहेगा, ब्लैक वाले बीटल को स्पॉट करना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसका कलर डिफरेंट है, तो आराम से ये स्पॉट किया जा सकता है। चूँकि ये ग्रीन कलर के लीफ है और ग्रीन कलर के लीफ पे ग्रीन बीटल बैठा हुआ है, तो इसको इतना स्पॉट करना आसान नहीं है, ये छुप जाएगा। तो क्रोज होते हैं, क्रोज क्या करते हैं, बीटल्स को खाते हैं, तो ये ब्लैक कलर के बीटल्स इजीली स्पॉट किए जा सकते थे, तो सारे क्रोज ने इन ब्लैक वाले बीटल्स को खाना स्टार्ट कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि ब्लैक वाले बीटल्स बचे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ग्रीन वाले बीटल्स बचे। क्यों? क्योंकि इसको क्या था, एक नेचर ने एडवांटेज दे दिया था, इसके कलर क्या था, ग्रीन कलर का था, ये छुपे रह सकते थे। ब्लैक वाला स्पॉट होने की वजह से इसकी क्या हो गया, ये इंडेंजर्ड हो गया, फिर एक्सटिंक्ट हो गया, क्रोज ने सारा ब्लैक बीटल्स खा डाला और सिर्फ उसके बाद क्या बचे, ग्रीन बीटल्स बने। इन्होंने रिप्रोडक्शन किया आपस में और ये क्या कर गए, सर्वाइव कर ले गए। क्यों? क्योंकि नेचर ने इनको एडवांटेज दिया, नेचर ने ही कहा कि इनको सेलेक्ट कर लिया, क्या करके, ये ग्रीन कलर देके कि आपको सर्वाइवल का एडवांटेज मिल जाएगा।
तो ब्लैक वाली जो स्पीसीज थी वो ख़त्म हो गई, वो ओरिजिनेट ब्लैक वाली स्पीसीज से ही ग्रीन वाली स्पीसीज ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन ब्लैक वाली स्पीसीज ख़त्म हो गई और सिर्फ ग्रीन वाली स्पीसीज। तो देखो, एक ब्लैक स्पीसीज से ग्रीन स्पीसीज आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशिएशन, स्पीशिएशन थ्रू नेचुरल सेलेक्शन।